राजस्थान में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है, जिसके चलते पूरे राज्य में सभी पेट्रोल पंप रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। जिन लोगों को पेट्रोल पंपों की हड़ताल के बारे में जानकारी थी, उन्होंने शुक्रवार को ही पेट्रोल भरवा लिया था, लेकिन कई लोगों को पेट्रोल एसोसिएशन की हड़ताल की खबर नहीं थी। जब वो लोग पेट्रोल भरवाने पहुंचे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिला, जिसके चलते लोगों को अपने वाहन वहीं पर खड़े कर जाना पड़ा। अभी आए हैं पेट्रोल लेने के लिए और पता चला कि हड़ताल है, तो राज्य सरकार की तरफ से जो वेट लगा है उनके खिलाफ जो पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल की है, तो इनकी वाजिब मांग को गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं कि आपको क्या परेशानी है? हमको परेशानी आए हैं तो पेट्रोल बंद है, तो पेट्रोल लेने के लिए बहुत परेशानी। वहीं पे पेट्रोल बंद होगा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं था कि हड़ताल है? नहीं, आई डोंट नो। बिल्कुल पेट्रोल नहीं गाड़ी में? पेट्रोल लुक लुक कर रहा है ऑलरेडी। जाओगे? जाएंगे और जाएंगे। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है और इसी को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की जा रही है। उनकी मांग है कि प्रदेश में पेट्रोल पर वैट दर कम की जाए और बायोडीजल की अवैध बिक्री को रोका जाए। ऐसा है कि राजस्थान में वैट जो है पेट्रोल डीजल पे, वो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा होने के कारण से यहाँ हमारी जो बेचने की प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, उसके कारण से कंपटीशन हो रहा है। जो बॉर्डर के जो जिले हैं उनमें और पास वाले राज्य में रेटों में डिफरेंस होने के कारण से कस्टमर उन राज्यों में नहीं आ रहा और पब्लिक को भी इसके कारण से बहुत परेशानी हो रही है। तो ये वेट कम करने के लिए कि सरकार पेट्रोल डीजल पे वेट कम करे, उसके लिए ये एक दिन के लिए स्ट्राइक की गई है। हमारे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल रखी गई है। हमारा मेन मुद्दे यही है कि जो राज्य सरकार ने वैट वृद्धि की है पिछले लॉकडाउन के बाद में, इसकी वजह से हमारे राज्य और पड़ोसी राज्यों में जो रेट में डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से जो पड़ोस में अपने जो बॉर्डर पे पंप्स है उनकी सेल काफ़ी कम हो गई है और उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वजह से तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बढ़े हुए वैट को थोड़ा बराबर किया जाए और पड़ोसी राज्य के बराबर हमारी वैल्यू आई जाए डीजल और पेट्रोल की, ताकि दोनों के पेट्रोल पंप्स बराबर चले और किसी भी डीलर का भाई का नुकसान ना हो। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% वैट वसूला जाता है, जिसके चलते यहां कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार भी पहुंच चुकी है, जिससे लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। पंजाब के सी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।